सब्सक्राइब करें हमारे चैनल डेली इन टेक वीडियोस देखने के लिए और साथ ही साथ बेल आइकन का भी दबा देना ताकि आप तक नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहे। हेलो गाइस, दिस इज बच्चन एंड यू आर वेलकम बैक टू बीएस बच्चन सिंह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने चैनल का कस्टम यूआरएल क्लेम कर सकते हैं, यानी कि आप अपने चैनल के लिए कस्टम यूआरएल किस तरह से जो है क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो अपने YouTube के एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे माय चैनल पे जाके एडवांस सेटिंग में जाके उसके बाद जो है आपके चैनल का, अगर आपने आपके 100 सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुके हैं तो ऐसे में आप जो है वहाँ पे क्लेम करने का ऑप्शन आएगा, आप एलिजिबल रहेंगे कस्टम यूआरएल के लिए। अगर आपके 100 सब्सक्राइबर नहीं है तब ये ऑप्शन नहीं रहेगा, तब आप जो अपना नया कस्टम यूआरएल जो है नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए कंडीशन है आपके 100 सब्सक्राइबर जो है होने चाहिए, उसके बाद जो आप अपने कस्टम यूआरएल क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि कस्टम यूआरएल क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि आपको पता है, अगर चैनल शुरू शुरू में होता है, नया चैनल होता है, तो हम किसी को अगर बताएंगे भी तो हम वो हमारा नाम सर्च भी करेगा तो एकदम जो है YouTube पे दिखाएगा नहीं, वो सर्च पे नहीं आएगा। उसके अलावा अगर किसी को अपना चैनल के बारे में बताएंगे भी तो डायरेक्टली हम उसको बता नहीं सकते, क्योंकि उसका लिंक इतना बड़ा होता है, हम सेंड करेंगे तब जाके वो लिंक से जा सकता है, अदरवाइज हम बताएंगे तो ऐसे में जो है बहुत मुश्किल होती है। लेकिन अगर कस्टम यूआरएल है, तो जैसे कि मेरा कस्टम यूआरएल है youtube.com/c/bachchankevish, अगर मैं ये आपको बता रहा हूँ, अगर आप क्रोम पे इसको सर्च करेंगे तो डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाएंगे। उसके अलावा मेरा दूसरा चैनल है youtube.com/c/bstar, अगर आप ये सर्च करेंगे तो मेरे bstar वाले चैनल पे जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने bstar चैनल का कस्टम यूआरएल क्लेम किया। सबसे पहले चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलेगी, यानी कि माय चैनल पे जाने के बाद यहाँ पे आप कॉर्नर पे जो दिख रहा है आपको अपने चैनल के, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो खुलेगी, तो उस पर मैं यहाँ पे आपको वीडियो मैनेजर में जाने के बाद जो कॉर्नर में चैनल आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद ऑप्शन आएगा सेटिंग का, देख सकते हैं आप चक्री जैसी बनी है, तो नीचे जो एडवांस सेटिंग आप देख रहे हैं तो आपको एडवांस सेटिंग पर जो क्लिक करना है, जो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं एडवांस, अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आएगा यू आर एलिजिबल। अगर आप अपने 100 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं तो यहाँ पर यू आर एलिजिबल लिखा होगा, तो आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करना है, जहाँ पे हेयर जैसा लिखा हुआ है, तो हेयर पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो नीचे दूसरी विंडो पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका यूआरएल इस तरह से रहेगा, तो ओके कर दीजिए आप youtube.com/c/bstar। तो यहाँ पे मैंने जैसे ओके किया, देख सकते हैं मेरे चैनल का यूआरएल जो है बन गया है। तो एक बार मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे youtube.com/c/bstar, अगर मैं इतना भी करूँगा तो यहाँ पे डायरेक्टली जो है मेरा चैनल bstar वाला चैनल जो है वो आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे bstar वाला चैनल खुल चुका है। तो इस तरह से आप अपने चैनल का यूआरएल चेंज कर सकते हैं, ये आपके बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़रूरी है, तो जल्दी से कर लीजिए आज ही अगर आपके 100 सब्सक्राइबर पूरे हैं तो। इसके अलावा bstar वाले चैनल को चेक कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम यूट्यूब और एडसेंस से रिलेटेड वीडियोस डेली जो है डालते रहेंगे। इसके अलावा आपके कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं उन सवाल के जवाब देने की कोशिश करूँ और उनके बारे में वीडियोज़ जो है बना सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय नाउ।